हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से दो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिनको कि आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक, उसका नाम है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है, उसकी वैल्यू है 142.80। इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो होगा 147.80 का, दूसरा टारगेट बनेगा 151.60 का और तीसरा टारगेट रहेगा 155.70 का। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, उसका लेवल होगा 138 और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। होल्डिंग टाइम रहेगा इस स्टॉक में 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं ग्रीव्स कॉटन को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेंड्स, ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपनी 50-day एक्सपीरियंस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। इस स्टॉक के आज के दिन के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थे वे इसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ ट्रेंड लाइन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने चार्ट पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। पिछले 4 महीने से ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। इस स्टॉक का आज का दिन का क्लोजिंग है, उसका वैल्यू है 142.80। तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिस में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में 142.80 के लेवल को होल्ड करता है और इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की 3 ग्रीन कैंडल बना देता है, तब इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। फर्दर टारगेट ऑफ 147.80, 151.60 एंड 155.70। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 138 के लेवल पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज का हमारा दूसरा और आखिरी स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा दूसरा स्विंग ट्रेड स्टॉक है, उसका नाम है KRBL लिमिटेड। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 398.50। इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 412.50 का, दूसरा टारगेट होगा 424 का और तीसरा टारगेट होगा 434.50 का। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, जिसका लेवल होगा 385 और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर एंड इस स्टॉक में होल्ड टाइम रहेगा 1 to 5 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं KRBL लिमिटेड को चार्ट पर ये कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। फ्रेंड्स, KRBL लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपनी 50-day एक्सपीरियंस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेजेस 50-day एक्सपीरियंस मूविंग एवरेज एंड 100-day एक्सपीरियंस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ सपोर्ट जोन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने चार्ट पर एक येल्लो कलर का सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। पिछले 3 महीने में इस सपोर्ट जोन पर इस स्टॉक ने 3 बार सपोर्ट बनाया है। सबसे पहले इसने सपोर्ट बनाया था 16 सितंबर को। सपोर्ट बनाने के बाद हमें इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली थी और सेकंड टाइम इसने सपोर्ट बनाया था 28 सितंबर को। सपोर्ट बनाने के बाद इस स्टॉक में 2 महीने तक लगातार हमें तेज़ी का मोमेंटम ही देखने को मिला था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइम सपोर्ट की। थर्ड टाइम इस स्टॉक ने सपोर्ट जोन पर सपोर्ट बनाया है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को सपोर्ट बनाने के बाद ये स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है। पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा जैसे ही ये स्टॉक 398.50 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिस में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 398.50 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है एंड नेक्स्ट डे उस क्लोजिंग के ऊपर आधे से 1 घंटे सस्टेन कर जाता है, तब इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। फर्दर टारगेट ऑफ 412.50, 424 एंड 434.50। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, जो कि होगा कल के दिन के कैंडल के लो के पास में, जिसका कि लेवल है 385 और ये रहेगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था KRBL लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इन दोनों स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही इनमें डिस्कस करे गए लेवल्स आते हैं तब आप इन्हें बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।